रामायण की वजह से लोगों के घरों में टीवी खरीद कर आ गई थी, सिर्फ रामायण देखने के लिए, ये माहौल था। और प्रॉपर टीवी को अगरबत्ती दिखाकर, फूल चढ़ाकर, और फिर वो ऑन किया जाता था, हाथ जोड़कर लोग बैठते थे, जैसा मैंने सुना है लोगों से। नहीं नहीं बात, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको कि नागपुर का किसी ने मुझे एक इंसिडेंट सुनाया था, इनफैक्ट कि किसी की डेथ हो गई थी जी, है, तो वो बॉडी ले जा रहे थे उसको क्रिमेशन के लिए, तो उन्होंने उस बॉडी को बैठा के रामायण दिखाया, उसके बाद में क्रिमेशन लेके गए, बॉडी को दिखाया जी। आप सोचिए कि भाई कहते 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 उनका कहना ये था लोगों का कि कम से कम जाते जाते एक अच्छी चीज देख लो, रामायण देख लोगे तो अच्छी गति प्राप्त होगी। ये सोचिए आप, क्या भावना थी, क्या धारणा थी लोगों की। I'm like, it's unbelievable. मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना लोगों का अटैचमेंट इस प्रोग्राम के साथ में। इनफैक्ट मेरे को अभी किसी ने वीडियो, बड़ा अच्छा वीडियो नहीं, मेरे ख्याल से एक फोटोग्राफ भेजा जी। आप, जब राम जी और लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है या ब्रह्मास्त्र लगता है तो बेहोश हो जाते हैं, राम रो रहे हैं, तो एक छोटा बच्चा, मेरे ख्याल से 5-6 साल का बच्चा होगा, उसने टिश्यू लेके टीवी पे वो आंसू पोंछ रहा था। ये अभी तक लोगों को इतना लगाव है और जुड़े हुए हैं लोग, मतलब मैंने कितना इफेक्ट, कितना इफेक्ट है उस चीज का, कितना मतलब है कि अबे लाइक मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें बन जाती हैं, ये बन गई है, बस ये बनाई नहीं है, बन गई है। किस नक्षत्र में ये सारे कॉम्बिनेशन बने, हम लोग देखिए, मैं बिलोंग को भोपाल से बिलोंग करता हूँ, अरुण जी मेरठ से बिलोंग करते हैं, सागर साहब कश्मीर से बिलोंग करते हैं, अपने जो रावण है वो उज्जैन से बिलोंग करते हैं, ये सारे के सारे लोग कॉम्बिनेशन आया, मिले, इकट्ठे हुए और कोई चीज क्रिएट हुई, जो मेरे ख्याल से आप सोच लीजिए कि जब 87 में बनी तब से लेके अभी तक, और आगे भी मुझे लगता है जब तक इसकी मतलब है कि विजिबिलिटी अवेलेबल रहेगी तब तक मेरे ख्याल से इसको बीट करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। आप 33 साल के बाद में मुझे ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि ये इसको बीट करना थोड़ा मुश्किल है। अभी भी लोग ऑलरेडी एक चैनल पे देख चुके हैं, दूसरे चैनल पे आ रहा है, फिर भी देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख लिया और देखना। तो लोगों का ये कहना है, लोगों का मैं आपको बताऊं ना कि लोगों का क्या कहना है, लोगों का कहना है कि जैसे हम रामायण पढ़ते थे है ना, वैसे अब हम रामायण देखते हैं, खत्म होती है दोबारा देखते हैं। आपको मैंने बताया कि नहीं बताया, डलास में एक लेडी है जिनको मैं जानता हूं, जो 44 times रामायण देख चुकी है, और अभी खत्म होता है तो वापस शुरू कर देती हैं वो। सही है। आप सोचिए, अरे ये तो छोड़िए, किसी ने मुझे बताया कि उसने कपिल शर्मा शो 8 बार देखा, क्योंकि हम राम लक्ष्मण सीता थे इसलिए। आपका आपका वो एपिसोड काफी अच्छा था और लोगों ने बहुत देखा है, बहुत सारे, आठ बार देखा है। आप सोच लीजिए, 8 बार मुझे किसी ने बताया कि 8 बार देखा हमने वो एपिसोड, और किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन होगा, रामायण रीटेलीकास्ट होगा, करेक्ट, तो बहुत पॉपुलैरिटी मिली। मैं आप यकीन नहीं करोगे, कहते ना कुछ नक्षत्र होते हैं चीजों के। जब हमने कपिल शर्मा शो किया था, आप यकीन नहीं करोगी, किसी को नहीं पता था कि रामायण टेलीकास्ट होगी, बिल्कुल है ना। अब ये देखिए, ये कहते हैं ना कि ये लिखी हुई है कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में ये डिसाइड किया गया कि रामायण टेलीकास्ट करनी है, और रामायण टेलीकास्ट हुई, और आज के समय में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इज नॉट ए जोक, नॉट ए जोक, क्योंकि क्या है कि देखिए, एक तो पहली चीज रीटेलीकास्ट है, पहला नंबर, दूसरी चीज क्या है कि आपके पास में दुनिया भर के ऑप्शन है देखने के लिए, है ना, मतलब है कि आप वेब से लेके, चैनल से लेके, सोशल मीडिया से लेके, हर तरह के ऑप्शन है उसके पास। उसके बाद भी अगर इतना बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट करता है कोई प्रोग्राम, तो इट इज समथिंग, कुछ तो है प्रोग्राम के अंदर। और आई एम फॉर्चुनेट कि वो एपिसोड मेरा था, है ना, लक्ष्मण और मेघनाथ का फाइट सिक्वेंस था वो एपिसोड, और क्योंकि मेरे को इसलिए भी याद है क्योंकि उस एपिसोड का मैंने ना एक सेल्फी किसी ने मुझसे मांगी थी कि भाई आप रामायण देखते हुए मुझे सेल्फी खींच के दें, तो मैंने सेल्फी खींच के दी थी, तो उस सेल्फी का एक 2-3 खींची थी, तो उसमें से एक मैंने ना सेल्फी अपने सोशल मीडिया पे लोड कर दी थी। आप यकीन नहीं करोगे, विद इन कपल ऑफ डेज मेरे को ऑलमोस्ट 80-85 thousand हिट्स मिले उसके।